नताशा और विहान पिछले एक साल से रिलेशनशिप में थे। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विहान उसको डिनर के लिए बाहर ले गया और सबके सामने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नताशा, मुझसे शादी करोगी? नताशा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया और जैसे ही उसकी उंगलियों में अंगूठी पड़ी, उसके कानों में एक भयानक हंसी गूंज उठी। जिसे सुनकर वो डर गई, लेकिन अगले ही पल विहान ने उसको कस के गले लगा लिया और उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। अगली रात विहान अपनी बाइक से नताशा से मिलने के लिए जा रहा था, तभी उसको रास्ते में अचानक से एक भयानक डायन नजर आई। ओह माय गॉड! उसकी बाइक लड़खड़ा गई और एक्सीडेंट हो गया। जब उसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उस पर नताशा का मैसेज आया हुआ था। विहान उसी टाइम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर उसके घर पर पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और उसको पता चला कि वो फ्लैट खाली करके जा चुकी है। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे। विरान बस स्टॉप पर नताशा अकेली खड़ी हुई थी। उस टाइम आदित्य ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर नताशा पर पड़ी। काली साड़ी से चमकता हुआ उसका गोरा बदन, खुले हुए बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक, ठंडी कोहरी रात में किसी भी मर्द को उसके लिए पागल कर देने के लिए काफी था। ऊपर से नीचे तक उसने नताशा को देखा और बाइक उसके सामने रोक दी। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप यहाँ किसके लिए खड़ी हैं? मैं एक चुड़ैल हूँ और अपने शिकार का इंतजार कर रही हूँ। अगर आप बस के इंतजार में खड़ी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बस स्टॉप से लास्ट बस 8 बजे की टाइम गुजरती है। अब यहाँ सुबह तक कोई बस नहीं आने वाली। ओह सॉरी, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे लिफ्ट दे दीजिए। सुनकर आदित्य मुस्कुरा दिया और वो उसके पीछे बैठ गई। वैसे आपका नाम क्या है? नताशा। और आपका? आई एम आदित्य। नताशा ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस डाले और अचानक से तेज की बिजली कड़की, मौसम बिगड़ गया और आदित्य को एक भयानक हंसी सुनाई दी। ये आवाज? तभी जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। ओह नो, बारिश खत्म होने तक साइड में रुक जाए। नहीं, मेरा घर पास ही है, चलते रहिए। आदित्य ने अब बाइक तेज कर दी और कुछ ही मिनटों में नताशा का घर भी आ गया। इतना कहकर वो बाइक से घर की तरफ चल दी और आदित्य भी चेहरे पर मुस्कान लिए उसके पीछे पीछे हो लिया। आप चिमनी के पास बैठिए, मैं दूसरे कमरे से जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आती हूँ। ये कहकर वो कमरे में चली गई। आदित्य चिमनी की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा फुंकार रहा है। उसने पलट कर देखा तो वो वही भयानक डायन थी। वो तेजी से कमरे में भागा और नताशा से जा टकराया। क्या हुआ वहाँ कमरे में? उसके अल्फाज अधूरे रह गए जब उसने नताशा की भीगी साड़ी से चमकते उसके बदन को देखा। शायद आपके दिमाग पर पानी चढ़ गया है। वो उसको अपने कमरे में ले गई और टॉवल से उसका सर पोंछने लगी। आदित्य ने उसके कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब खींच लिया। आज की ये सर्द रात मुझे तुमसे दूर रहने की इजाजत नहीं दे रही। मैं इस तरह आपके करीब नहीं आ सकती। अगर आप अभी मुझसे शादी कर लेते हैं तो मुझे आपकी पत्नी बनकर आपकी हो जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कहकर उसने अलमारी में रखी सिंदूर की डिबिया की तरफ इशारा किया। आदित्य ने देर ना करते हुए डिबिया उठाई और उसकी मांग भर दी। अब तो ठीक है ना? वो उसके करीब चला गया। अगले ही पल दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के आगोश में थे। प्यार भरे कुछ लम्हे गुजारने के बाद अचानक से कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ये क्या हो रहा है? किसी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसने जैसे ही पलट कर देखा तो वही भयानक डायन सामने खड़ी थी। उसने आदित्य का गला पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। आह, नताशा, मुझे बचाओ! कौन है ये डायन? डायन नहीं, विनाशिनी। उसने आदित्य को दीवार पर दे मारा।
आदित्य दीवार से टकराकर बेड पर गिर बेहोश हो गया। विहान बुरी सी हालत में नताशा की यादों में डूबा बैठा था। कमरे का दरवाजा तेज शोर करता हुआ खुल गया और नताशा अंदर दाखिल हुई। नताशा, तुम? ये सच है या मेरा वहम है? तभी नताशा उसके गले लग गई। तुमसे दूर जाना मेरी एक मजबूरी थी। मेरे बचपन से जो दोष मेरे साथ लगे हैं, सिर्फ उसकी वजह से मैं अमावस्या की रात उस समय पैदा हुई थी जब विनाशिनी अपना शिकार ढूंढती फिरती है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर विनाशिनी दोष लगा है। मैं जिस भी लड़के से शादी करूंगी तो विनाशिनी हमारे आसपास रहेगी और कुछ ही दिनों के अंदर वो उसको खत्म कर देगी। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होगा, चाहे मैं जिंदगी भर शादियां करती रहूं, मेरा हर पति कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तुमसे शादी करने के बाद अगर मैं 2 दिन में खुशी के गुजार लूँ ना, तो मुझे मरने का गम नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुमको मरते हुए नहीं देख सकती थी, ना ही तुमसे दूर रह सकती थी, इसलिए मैंने एक शैतानी वारदात को अंजाम दिया। क्या किया तुमने? मेरे साथ चलो। वो उसे अपने उसी जंगल वाले घर लेकर गई। उसके बेड पर आदित्य जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। कौन है ये? ये मेरा पति है और मुझसे शादी करने की सजा अब ये भुगतने वाला है। कहते हुए उसने उसके सीने पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और वो अचानक से उठ गया। नताशा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो विनाशिनी आखिर कौन है और ये आदमी कौन है? विनाशिनी, विनाशिनी, विनाशिनी। नताशा अपनी आंखें बंद कर जाप कर रही थी। जब उसने आंखें खोली तो वो लाल सुर्ख हो चुकी थी। ये देख आदित्य और विहान दोनों चौंक पड़े। तभी नताशा ने अपने तेज पंजे आदित्य के पेट में मारकर उसका पेट फाड़ डाला। ये सब देखकर विहान के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी नताशा जोरों से चिल्लाई और उसके शरीर से विनाशिनी का साया निकलकर हवा में गायब होता नजर आया। मेरे ऊपर लगा विनाशिनी दोष तभी खत्म हो सकता था जब मैं खुद विनाशिनी को अपने जिस्म में बुलाकर अपने हाथों से अपने पति की हत्या कर दूं। इसलिए मैंने ये सब किया। मैं एक खूनी हूँ, ऐसी औरत जिसने एक लड़के के साथ शादी करके उसको खत्म कर दिया। मुझे पता है कि तुम भी अब मुझे नहीं अपनाओगे। तुम जा सकते हो विहान, मैं तुमको भुलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी विहान कस कर उसके गले लग गया। मैंने तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुम्हारे जिस्म से नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारी शादी होगी और जो सपने हमने देखे थे वो जरूर पूरे होंगे। ये सुनकर नताशा ने भी उसको कसकर गले लगा लिया और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि प्यार अगर बेशुमार हो तो वो बड़ी से बड़ी खौफनाक गलतियों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत भी दे देता है।